भारत की भौगोलिक जानकारी के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, राज्य कौन से हैं तथा केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं इत्यादि। भारतीय उपमहाखंड दक्षिण की ओर में सागर और एक महासागर से घिरा है। सबसे दक्षिण में हिंद महासागर इंडियन ओशन है तथा दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल है तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर अरेबियन सी है। भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई 3,214 किलोमीटर इतनी है तथा पश्चिम पूरब की लंबाई 3,299 किलोमीटर इतनी लंबी है। भारत का अगर हम क्षेत्रफल देखें तो वो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर इतना है। भारत मिलियन में देखें तो 3.2 मिलियन है। भारत ने विश्व का केवल 2.4% ही क्षेत्र भारत को मिला है। क्षेत्रफल के मामले में भारत 7वें नंबर पे आता है। भारत का जो सीमा क्षेत्र है उसमें सागर किनारा और बाकी ज़मीनी क्षेत्र भी आता है तो पूरा सीमा क्षेत्र यानी कुल सीमा क्षेत्र की लंबाई 15,200 किलोमीटर इतनी है तथा पूरब और पश्चिम किनारे क्षेत्र 6,100 किलोमीटर इतना लंबा है। भारत का दक्षिणी जो सिरा है उसे इंदिरा पॉइंट भी कहा जाता है। भारत और श्रीलंका पाल्क समुद्र धुनी यानी स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं। भारत को अलग अलग देशों की सीमा लगी हुई है। सबसे उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, पाकिस्तान की सीमा 3,330 किलोमीटर लंबी है। भारत पाकिस्तान सीमा को रेड क्लिफ लाइन भी कहा जाता है तथा उत्तर में अफगानिस्तान की सीमा है। अफगानिस्तान केवल 80 किलोमीटर की ही सीमा मिली है। सबसे छोटी सीमा रेखा अफगानिस्तान की है तथा उत्तर और पूर्व में चीन की सीमा लगी हुई है। इसकी लंबाई 3,488 किलोमीटर इतनी है। बाद में नेपाल, नेपाल की 1,752 किलोमीटर इतनी लंबी सीमा रेखा है। भूटान की 699 किलोमीटर इतनी लंबी सीमा रेखा है। म्यांमार की सीमा 1,643 इतनी है तथा सबसे जो लंबी सीमा रेखा है वो बांग्लादेश की है 4,096 किलोमीटर इतनी। भारत और चीन की जो सीमा रेखा है उसे मैकमोहन लाइन भी कहा जाता है। बारह दिसंबर 1911 तक भारत की राजधानी कलकत्ता थी लेकिन किंग जॉर्ज फिफ्थ ने इसे कलकत्ता से दिल्ली दरबार शिफ्ट किया। अभी भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत विश्व में सबसे बड़ा प्रजासत्ताक देश है। इस देश की जनसंख्या 121,08,54,977 है जो विश्व का 17.5% हिस्सा है। भारत जनसंख्या में विश्व में दूसरे क्रमांक पर है। भारत में कुल राज्यों की संख्या 37 है, उसमें 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 31 अक्टूबर 2019 को नए 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। अभी केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। उसके बाद लक्षद्वीप, इसकी राजधानी करावती। दीव दमन, इसकी राजधानी दमन। दादरा नगर हवेली की राजधानी सिलवासा।
नई दिल्ली, उसके बाद लद्दाख की राजधानी लेह और कारगिल है, तथा जम्मू और कश्मीर की राजधानी, समर राजधानी श्रीनगर है, और विंटर की जम्मू, पांडिचेरी और आखिर में चंडीगढ़। ऐसे 9 केंद्र शासित प्रदेश भारत के हैं। तो ये थी भारत की प्राथमिक भौगोलिक जानकारी। भारत का भू आकृतिक विभाजन कैसा है वो जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।